मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्लॉग ऑटो MH20। तो आज हम आए हैं यहाँ पर ये इनोवा गाड़ी देखने के लिए। हम जो शॉप पर आए हैं उसका नाम है देखिए पीयूष ऑटो कंसल्टेंट। तो ठीक है, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाड़ी के एक्सटीरियर से हम शुरुआत करेंगे। गाड़ी के एक्सटीरियर में क्या क्या दिया गया, गाड़ी का कलर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर लोगो है, फॉग लैम्प दिए गए हैं। ओके, कोई माइनर स्क्रैच तो दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। मिरर की प्लेसमेंट यहाँ पर हुई है, देखिएगा। अभी तक कोई स्क्रैच मुझे दिखाई नहीं दे रहा है गाड़ी में। नीट एंड क्लीन गाड़ी है, बिल्कुल मेंटेन। टायर देखेंगे, टायर का अभी भी 70-80% लाइफ बाकी है। अलॉय व्हील्स दिए गए कंपनी की तरफ। चलो गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटी, काफी हाइटेड गाड़ी है। अगर हम गाड़ी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा वुडन फिनिश दिखाई दे रहा है डोर के अंदर। जी हाँ, कुछ बॉटल होल्डर्स है, क्रोम एक्सेंट है। यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक कलर का इंटीरियर है, थोड़ा सा क्लीनिंग की जरूरत है वैसे। ओके, ये रहे वेंट्स। वेंट्स की प्लेसमेंट बहुत ही खूबसूरत डिजाइन दिया गया है। डैशबोर्ड एकदम प्रीमियम लगता है बिल्कुल आप बैठते हैं तो। एसी जो रहेगा वो मैनुअल रहेगा। ये फ्लो मैनेजमेंट बार है यहाँ पर उसका, ठीक है। ये हॉट एयर बाहर जो हम यूजुअली यहाँ पर प्लेस होता है वो चीज यहाँ दी गई है। देखिए ग्लो बॉक्स देख लेते हैं, एक ग्लो बॉक्स यहाँ पर है, सेकंड ग्लो बॉक्स यहाँ पर दिया है कोई छोटी मोटी चीजें रखने के लिए। वैसे तो सबको पता है इनोवा प्रैक्टिकल ही गाड़ी है पहले से ही। यहाँ पर कुछ डिजिटल सा है कुछ, जी हाँ। इको मोड, पावर मोड भी है, कंपनी से मिलता है इसको। यहाँ पर जो चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पर प्लेसमेंट हुई है उसकी। मैनुअल है, गियर नॉब से समझता है, मैनुअल है। कप होल्डर दिया गया है एक। सीट्स अगर देखेंगे आप तो सीट्स इसके जो है ब्लैक कलर में है। एक्चुअली एज एन एक्सेसरी जो आते हैं वो सीट कवर इसे डाले गए हैं, फैब्रिक वाले, बहुत बेहतरीन लगते हैं ये। मिडल साइड में जो आर्म रेस्ट दिया गया है देखिए, स्टोरेज स्पेस भी है। हम गाड़ी का अभी स्पीडोमीटर देखेंगे किस तरीका है, ये देखिएगा। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर दोनों भी। ये जो बीच में डिस्प्ले होता है इस पे अदर इंफॉर्मेशन भी शो होती है। स्टेयरिंग देख लीजिए, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है गाड़ी का, बिल्कुल प्रीमियमनेस है। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ एक ही बटन दिखाई दे रहा है, मतलब स्टेयरिंग माउंटेड कीज नहीं है। चारों पावर विंडो की प्लेसमेंट ड्राइवर साइड में हुई है। उसके आगे जो आपको छोटा सा नॉब दिखाई दे रहा है वो नॉब जो है अपने मिरर एडजस्ट करने के लिए होता है वो नॉब। लंबर सपोर्ट भी अच्छा खासा है सीट के अंदर, देख सकते हो। तो चलो इस गाड़ी को हम बैक साइड देखते हैं क्या क्या इन्होंने एग्जैक्टली प्लेस किया है। देखिएगा, रूफ पे लैंप है, एक लैंप रूफ पे दिखाई दे रहा है पिछले पैसेंजर के लिए सेपरेट, सामने के पैसेंजर के लिए भी एक अलग है। यहाँ पर एक सनग्लास होल्डर भी है देखिए। ये रहे लाइट्स
ऑन ऑफ, ठीक है चलिएगा, ये ऑन ऑफ हो जाते हैं वैसे। एसी, रियर एसी के वेंट्स देखिएगा, ऊपर के साइड दिए गए हैं पूरे, ऊपर के साइड है, देखिए ये भी डोर के ऊपर वुडन फिनिश है, दिखाई देता होगा आपको, यहां पर भी वुडन फिनिश। सीट अगर आप गौर से सीट की तरफ देखें तो इसमें स्प्लिट है, देखो 60-40 स्प्लिट है। अगर आप लगेज ज्यादा कैरी करना चाहते हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। पीछे के साइड देखेंगे तो एक चार्जिंग सॉकेट दिखाई देगा आपको, जी हाँ। लेग रूम कई सारा है एक्चुअली, इसके मिडल रोज भी एडजस्ट होते हैं इनोवा गाड़ी के। और इसके जो लास्ट वाले सीट है, मैं आपको बूट स्पेस जब दिखाऊंगा उस वक्त आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिएगा इस तरीके की कंडीशन, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है गाड़ी की, कोई भी मुझे तो अब तक ऐब नजर नहीं आ रही है गाड़ी के अंदर। चलो तो फिर बाहर चलते हैं और देखते हैं बूट स्पेस कितना है। ये देखिएगा बूट स्पेस, बूट लैंप भी दिया है, प्रीमियम गाड़ी है वो हिसाब से देना ही चाहिए था। यहाँ कुछ लॉक है, पता नहीं किस चीज का लॉक है। वेंट्स एक बार प्रॉपरली देख लीजिए, लास्ट रो के लिए भी वेंट्स दिया है एसी के। ये है पिछले सीट्स जो फोल्ड किए एक्स्ट्रा लगेज कैरी करने के लिए। वैसे तो गाड़ी पीछे दो, बीच में तीन और आगे दो, ऐसे 7-8 सीटर तक का गाड़ी है ये। एक मिनट में आपको सीट सीधा करके बता देता हूँ। देख सकते हो आप आमरे, जितने भी हेडरेस्ट है सारे एडजस्टेबल है। थर्ड रो के अंदर जो जगह दिखाई दे रही है वो भी लेग रूम इनफ है, मोर देन इनफ है। तो गाड़ी के बाकी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए, बाकी स्क्रैच तो कोई गाड़ी में दिखाई नहीं दिया मुझे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी थी। जैसे कि पूरी गाड़ी हमने देख ली है अभी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर MH33 रजिस्टर गाड़ी था ये। गाड़ी का आस्किंग प्राइस जो है वो है 15.5 लाख रुपये, जी हाँ 15.5 लाख रुपये उसका आस्किंग प्राइस है गाड़ी का। इनोवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी थी, 2017 का मॉडल है और 78,000 किलोमीटर तक गाड़ी चली है। तो अगर आपको पसंद हो गाड़ी तो आप देख सकते हो, ये डील बहुत फेयर है। आप देख सकते हो यहाँ पर टीवीएस ऑटो कंसल्टेंट, आपको नंबर भी दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं डिटेल में एड्रेस और नंबर दोनों दे दूंगा। और जो भैया है यहाँ के मालिक, उनसे हम बात करेंगे, कुछ फाइनेंस स्कीम या कुछ देते हैं या किस तरीके का, मतलब प्राइवेट फाइनेंस कुछ उनके पास स्कीम है शायद से, हम उसके बारे में बात कर लेंगे।